अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन कुकिंग फॉर यंगस्टर्स किचन। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी स्पेशल सी रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। बेसिकली दिस इज़ थ्री इन वन रेसिपीज, ठीक है। इसमें जो है मैं आपको फ्रेंच फ्राइज़ भी सिखाऊंगी। उसकी जो है रेसिपी मैं ऑलरेडी दो तरह के फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपीज़ जो है डाल चुकी हूँ, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका जो है लिंक सेंड कर दूँगी, ठीक है। और इसी के साथ जो है मैं आपको फ्राइड चिकन सिखाऊंगी, जिसको क्रिस्पी फ्राइड चिकन भी कहते हैं, पॉपकॉर्न चिकन भी कहते हैं। इसको जो है चिकन के पीसीस जो है लेके उसके साथ भी आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो, और इसी के साथ विंग्स लेके उसके साथ भी ट्राई कर सकते हो। बट मैंने जो है पॉपकॉर्न बिल्कुल छोटा छोटा सा जो है बनाना है, क्योंकि मैं जो है आपको पिज़्ज़ा फ्राइज सिखाने जा रही हूँ, ठीक है। वेरी स्पेशल रेसिपी, वेरी ऑथेंटिक रेसिपी, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक कप जो है हमने चिकन ले लेना है, उसके जो है क्यूब्स कर लेने हैं, ठीक है। क्यूब्स ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए, ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए कि वो पिज़्ज़ा फ्राइज़ में पड़े हुए अजीब से लगे। बेसिकली वन बाइट जो है चिकन की हमने करनी है, ठीक है। वन इंच का जो है पीस कर लेना है, क्योंकि इसमें फ्राई भी होना है, इसमें थोड़ा सा श्रिंक भी होना है, इसके ऊपर कोटिंग भी आनी है, उस हिसाब से, ठीक है। जस्ट वन इंच का चिकन का पीस कर लेना है। ये जो है एक कप ले लेना है चिकन, ठीक है। इसी के साथ जो है इसमें जाएगा हाफ टी स्पून सॉल्ट जाएगा, ठीक है। ब्लैक पेपर जाएगी, क्वार्टर टी स्पून क्रश्ड रेड चिली जाएगी, 3/4 टी स्पून, मतलब वन टी स्पून का तीन हिस्सा, एक हिस्सा नहीं डालना, ठीक है। और इसी के साथ जो है गार्लिक पाउडर जाएगा, ये रहा क्वार्टर टी स्पून, ठीक है। विनीगर जाएगा सिरका 1 टेबल स्पून, सोया सॉस जाएगा 3/4 टेबल स्पून। 3/4 टेबल स्पून का मतलब ये है कि 1 टेबल स्पून के तीन हिस्से डालने, एक हिस्सा नहीं डालना। ये रही स्पून्स, ये जो है मेजरमेंट स्पून्स इजीली अवेलेबल है मार्केट में, आपने इनको परचेज कर लेना है और मेरी रेसिपीज़ को आपने ज़रूर ट्राई करना है। और भी काफ़ी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, काइंडली उनको देखें, लाइक करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है। लेट मी स्टार्ट माई रेसिपी। 1 कप जो है चिकन लेके इसको जो है मैरिनेट करूँगी मैं। ब्लैक पेपर चला गया, ठीक है। काली मिर्च, गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर, सॉल्ट चला गया। मैं आपको इंग्लिश में साथ में इसलिए बताती हूँ ताकि आपका जो है थोड़ा सा डिक्शनरी अच्छी हो जाए, ठीक है। इसी के साथ रेड क्रश्ड चिली, कुटी हुई लाल मिर्च, सोया सॉस, सिरका, ये सब चीज़ें डाल के इनको जो अच्छे से मैं मिक्स करती हूँ। इन सब चीज़ों को जो है अच्छे से मिक्स करके इनको जो है बेसिकली आपने हाथों की मदद से मिक्स करना है। जो मैरिनेशन हाथों की मदद से होती है वो दुनिया की कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी चीज़ नहीं कर सकती। आप ग्लव्स भी पहन के करोगे तो भी आपको इतना कन्वीनियंट फील नहीं होगा जितना जो है आप हाथों की मदद से कर पाओगे। बड़ी अच्छी रेसिपी है, ठीक है। अगर आप यही रेसिपी जो है विंग्स को बनाना चाहते हो विंग्स में, तो मैंने 1 कप ये चिकन लिया है। 1 कप जो होता है स्टैंडर्ड मेजरमेंट में 1 पाव होता है, ठीक है। आप उसी लिहाज से जो है उसको मेजर करके विंग्स को इसकी रेसिपी को डबल कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आप जो है 2 कप करोगे तो वो जो है 1/2 kg चिकन हो जाएगा, और आपको ये जो है सारे स्पाइसेस डबल करने होंगे, ठीक है। नाउ दिस इज रेडी, इसको जो है मैरिनेट मैंने कर लिया है। इसको जो है अगर आपके पास टाइम है तो आपने इसको ओवरनाइट छोड़ना है, बट इफ़ यू डोंट हैव टाइम तो इसको जो है मिनिमम आपने 2 घंटों के लिए आपने इसको ज़रूर छोड़ना है, ठीक है। ये अच्छे से जो है मिक्स हो जाए, इसको 2 घंटों के लिए अब मैं छोड़ती हूँ। फिर इसकी जो है कोटिंग बनेगी, जिसमें मैदा जाएगा, कॉर्नफ्लोर जाएगा, रेड चिली जाएगी, सॉल्ट जाएगा और एग जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। नाउ व्यूअर्स, लेट मी टेल यू द नेक्स्ट स्टेप। आपने क्या करना है, 1/2 कप जो है ले लेना मैदा, ठीक है। और इसी के साथ जो है 1/4 टीस्पून जाएगा सॉल्ट, 1/2 टीस्पून जो है रेड चिली पाउडर, पाउडर डालना है, क्रश्ड नहीं डालना। जब भी कोटिंग करते हैं तो पाउडर यूज़ करते हैं, क्रश्ड यूज़ नहीं करते, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं होता।
वो जो क्रश्ड रेड चिलीज होती हैं वो मैदे के अंदर ही रह जाती हैं, चिकन के साथ उनकी कोई कोटिंग नहीं होती। अब इसको जो अच्छे से मिक्स करती हूँ मैं, ठीक है। ये जो है हमारा, हमारी कोटिंग रेडी हो चुकी है और अब जो है चिकन को लेके अंडे में डिप करके इसके साथ कोट करके डीप फ्राई होगा चिकन, ठीक है। दिस इज रेडी, एक अंडा फेंट लेते हैं। नाउ व्यूअर्स, आई विल टेल यू हाउ टू कोट द चिकन। इसको जो है ओवरनाइट मैरिनेशन के बाद हमने एक अंडा फेंट लेना। अंडे को फेंटने के बाद चिकन लेके, ठीक है, चिकन को जो है चिकन को ऐसी कोटिंग करनी है, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा सारा मैं चिकन डाल देती हूँ अंदर और इसको जो है इस तरह से बाहर निकाल के, एक्स्ट्रा अंडा हमने यूज़ नहीं करना, इसको इस तरह से जो है सारे को मैदे के ऊपर, मैदा इसमें जो है जस्ट मैदा है, नमक है और लाल मिर्च है पीसी हुई, ठीक है। इस तरह से जो है सारा एक्सेस अंडा हमने छोड़ देना, ठीक है। अब ये जो है कोटिंग, ये इसके ऊपर अच्छे से असेंबल कर लेनी है, ठीक है। इसको मैं अच्छे से असेंबल करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, इसको जो है मैंने अच्छे से असेंबल कर लिया, ठीक है। अब इसको हम डीप फ्राई करते हैं। डीप फ्राइंग के लिए जो है मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया, ठीक है। जैसे ही हमने डीप फ्राई करने के लिए चिकन डालना है, एक दफ़ा इसी कोटिंग को जो है दोबारा से कर लेना है, ठीक है। दोबारा से करने के बाद ये देखिए, इसको जो है अच्छे से झाड़ के, ये देखिए यूँ ऐसे जो है हाथों की मदद से अच्छे से झाड़ के कि इसके ऊपर जो है थोड़ा थोड़ा क्रिस्प आ जाए। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। अब इसको जो है फ्राइंग के लिए डाल देंगे और थोड़ा सा फ्लेम हाई कर देंगे। इसी तरह से जो है सारे के सारे पीसीज को दोबारा से कोटिंग करके अच्छे से झाड़ के और जो है डीप फ्राइंग करेंगे हाई फ्लेम करके। झाड़ने के साथ क्या होगा कि इसके ऊपर जो है थोड़ा सा क्रिस्प आ जाएगा। ये देखिए, झाड़ने के बाद आप देख सकते हैं इसके ऊपर थोड़े थोड़े क्रम्स आके शो हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह से जो है ये सारे के सारे मैं इसमें ऐड करती हूँ। फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी। इसके अलावा इसमें जो है मायो गार्लिक सॉस जाएगी, उसकी भी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। मैं ऑलरेडी सब बना चुकी हूँ, आपने उन रेसिपीज को देख के इस तरह से जो है इस चिकन को जस्ट आप बना के टी टाइम में भी आप इंजॉय कर सकते हो। इसके अलावा इस चिकन के साथ इस तरह से जो है आप पिज़्ज़ा फ्राइज भी बना सकते हो। जैसे ये चला जाए हाई फ्लेम कर देना आपने, ताकि जो मैदा है उसकी कोटिंग टूटे नहीं, अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए कोटिंग, ठीक है। जैसे ही आपको लगे कि कोटिंग जो है स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, आपने फ्लेम को जो है थोड़ा स्लो कर देना, ठीक है। इसके साथ क्या होगा कि चिकन जो है अच्छी तरह पक जाएगा। वैसे तो चिकन की मैरिनेशन अच्छे वाली हुई है, ओवरनाइट मैंने इसको छोड़ा था, इसमें सिरका भी गया हुआ है, तो चिकन के जो है कच्चे रहने का कोई खर्चा नहीं है। लेकिन अच्छे से चिकन की कुकिंग के लिए इसको जो है सब डाल के थोड़ा सा फ्लेम स्लो कर देना गैस से। इसको फौरन से नहीं हिलाना, थोड़ा सा देख लेना है कि असेंबलिंग हो गई है चिकन की, मैदे के ऊपर कोटिंग अच्छे से हो गई है, तो फिर इसको हिलाना। ये देखिए, ज़बरदस्त कोटिंग ने जो है अपनी जगह पकड़ ली है।
अगर आप इसको फौरन हिला देंगे तो ये जो है इसकी कोटिंग उतरनी शुरू हो जाएगी। अब थोड़ा सा फ्लेम बिल्कुल दम की आग पर कर देना है, क्योंकि कोटिंग ने जो है अच्छे से ग्रिप कर ली है। अब जस्ट हमने जो है चिकन की थोड़ी बहुत जो कच्चा बन रह गया वो ख़त्म करना है दाल से। इसको मैं अच्छे से फ्राई करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको जो है फ्राई होने में, ठीक है। जैसे ही जो है मैदा अच्छे से ग्रिप पकड़ ले, उसकी कोटिंग अच्छे से हो जाए, आपने जो है बिल्कुल फ्लेम स्लो कर देना है। फ्लेम बेसिकली स्लो करने से क्या होगा, एक तो किचन चिकन का जो है कच्चापन वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और नंबर दो इसकी जो है कोटिंग टेंडर हो जाएगी, ठीक है। चिकन अंदर से भी बिल्कुल टेंडर जूसी हो जाएगा और चिकन का जो है कच्चापन वो ख़त्म हो जाएगा। इसकी ऑलरेडी जो है कोटिंग अच्छे से ग्रिप हो चुकी होगी, तो उसके बाद हमने जो है स्लो करना है फ्लेम। जैसे ही डालना है चिकन, फ्लेम बिल्कुल हाई ताकि कोटिंग अच्छे से ग्रिप हो जाए, और उसके बाद जो है फ्लेम स्लो। अब ये ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट पकने के बाद ये अच्छे से कुक हो चुका है। अब जो है बिल्कुल इसका लास्ट है, अब दोबारा से इसका जो है फ्लेम हाई करके इसको जो है कुक कर लेना है, ठीक है। अब दोबारा से मैंने इसका फ्लेम हाई कर दिया, ये देखिए किस कदर इसका खूबसूरत कलर निकला है, इसके जो है क्रिस्प आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने जिंगर बर्गर भी सिखाया हुआ है, इसी की फैमिली है वो भी। विंग्स भी सिखाए हुए हैं, क्रिस्पी फ्राइड विंग्स जो KFC से मिलते हैं, बड़ी अच्छी रेसिपी है, उसको भी आपने ज़रूर ट्राई करना है। इसके अलावा इसके साथ मायो गार्लिक सॉस चाहिए, वो भी मैंने सिखाई हुई है, उसका भी जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फ्रेंच फ्राइज चाहिए, उसका भी जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आपने इस रेसिपी को जस्ट एज इट इज़ आप बना के भी सर्व कर सकते हो टी टाइम में, और इसके अलावा इसको इस तरह से सैम्पलिंग भी कर सकते हो, ठीक है। इट्स ऑल इज़ योर चॉइस, बट आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और काइंडली मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें। मेरे पेज को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, रेसिपीज़ को ट्राई करने के बाद कमेंट्स जरूर शेयर करें। वैसे तो डीप फ्राइंग जो है नॉनस्टिक कढ़ाई में भी हो सकती है, बट इस कढ़ाई का जो रिज़ल्ट है फ्राइंग में, दैट इज़ ऑसम। नाउ यू कैन वॉच, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। इसका क्रिस्प, इसकी टेंडरनेस, इसकी मैरिनेशन सेम एज इट इज़। आप अगर इस रेसिपी को ट्राई करोगे तो आप इंशाल्लाह अच्छा ही मुझे फीडबैक दोगे, ठीक है। अब इसको जो है मैं निकाल लेती हूँ, दिस इज़ ऑलमोस्ट डन, ठीक है। मैं अब आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। अब इसकी जो है हम लेयरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है थोड़ी सी केचप लगाएंगे, केचप टमाटो केचप आपने यूज़ करनी है, ठीक है। एक बाउल ले लेना है जिसमें हमने बेकिंग करनी है, थोड़ी सी जो है बिल्कुल टमाटो केचप डाल ली, और इसी के साथ जो है मायो गार्लिक सॉस की मैं रेसिपी आपको बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। इसको ज़रा सा जो है थोड़ा सा मिक्स कर देना है, ठीक है। ये चली गई, ये जाने के बाद फ्राइज जाएंगे इसमें, फ्राइज जाने के बाद इसमें जाएगा चिकन। चिकन आप देख सकते हैं बहुत अच्छा बना है, बिल्कुल जूसी टेंडर, ठीक है। कोई इसकी जो है कोटिंग हार्ड नहीं है, अदरवाइज़ इस तरह की जो कोटिंग होती है वो बिल्कुल हार्ड होती है, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएंगी वेजिस, शिमला मिर्च, और इसी के साथ इसमें जाएगा नियन जाएगा। एक दोबारा से जो है इसमें ये एक दफ़ा करने के बाद इसके ऊपर आएगी मोज़रेला चीज़, ठीक है। मोज़रेला चीज़ आने के बाद इसमें जो है फिर से जाएगी मायो गार्लिक सॉस, मायो गार्लिक सॉस चली गई। इसके ऊपर दोबारा से जो है जाएगी केचप, केचप चली गई।
दोबारा से इसके ऊपर जो है फ्राइज आएंगे। ऑलमोस्ट दो आलूओं की जो है आपने फ्राइज बना लेने। दोबारा से इसके ऊपर चिकन जाएगा। चिकन चला गया, फिर से इसके ऊपर जाएंगी वेजेस। वेजेस चली गई, ठीक है। दोबारा से इसके ऊपर ये जो है बची हुई थोड़ी सी मायो गार्लिक सॉस बची हुई डाल देंगे, और जो है केचप जाएगी एक बार फिर से। और अब इसके ऊपर ये जो है मोज़रेला चीज अच्छे से सब प्रिंकल कर देनी है, ठीक है, खूब सारी, ऑलमोस्ट हाफ से भी ज़्यादा पैकेट आपने लगा देना, ठीक है। नाउ दिस इज डन, ठीक है। चिकन को ज़रा जो है चीज़ के साथ छुपाना है। नाउ दिस इज़ रेडी फॉर बेकिंग, यू कैन वॉच। ये देखिए, अब इसको हम ओवन में बेक करने के लिए रख देते हैं, और इसकी जो है मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ बेकिंग के बाद।